नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से एमएड करना चाहते हैं और आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा एमएड में एडमिशन लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यहाँ पर कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन शुल्क कितने रुपए रहेगा, क्या बीएड अपेयरिंग वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस होगा, आदि बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो देखिए, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय द्वारा सभी विषयों में एडमिशन लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस वीडियो में हम केवल एमएड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2021 से प्रारंभ हो गई है, परंतु वेबसाइट ठीक से कार्य नहीं कर रही थी, इस कारण आप लोग यहां पर आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब यहां पर वेबसाइट ठीक से कार्य करने लगी है और अब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यूजी और पीजी दोनों लेवल के कोर्सों के लिए 15 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा और काउंसलिंग कब होगी, इस विषय में अभी कुछ नहीं बताया गया है। जब भी ये तिथियाँ निर्धारित हो जाएंगी तो इसके बारे में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना अपलोड कर दी जाएगी। साथ ही साथ यदि हमें भी समय पर इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है तो हम भी वीडियो बनाने का अवश्य प्रयास करेंगे। आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में एमएड में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, एमएड की फीस कितनी है और एमएड की कुल सीटें इस यूनिवर्सिटी में कितनी है। तो देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन टोटल 315 सीटें इस यूनिवर्सिटी में एमएड की हैं और यहाँ पर एमएड 2 वर्ष का होता है। देखिए, सभी जगह अब एमएड 2 वर्ष का ही होता है, अब 1 वर्ष का एमएड नहीं होता है। और एमएड की जो 1 साल की फीस है वो 59,600 रुपये यहाँ पर दी हुई है। इस हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो आपके 2 वर्ष के एमएड का जो खर्चा होगा वो 1.25 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, एनसीटीई के नियमानुसार एमएड में एडमिशन होंगे और यदि किसी कैंडिडेट ने बीएड कर रखा है या एलटी कर रखा है और उसमें उसके 55% या इससे अधिक अंक हैं तो वे लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको अधिक न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी गई है। यदि उनके 50% या इससे अधिक अंक हैं तो भी वे लोग यहां पर आवेदन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि यहां पर एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन शुल्क कितने रुपये रखा गया है। तो देखिए, वेबसाइट पर कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम का शुल्क नहीं बताया गया है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम का जो शुल्क है वो दिखाई दे जाएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन लोगों को 1,000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा और जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। आइए जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में एमएड एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है और एग्जाम का क्या पैटर्न है। तो देखिए, यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो OMR बेस्ड एग्जाम होता है। उसके लिए अभ्यर्थियों को एक टेस्ट बुकलेट दी जाती है और OMR शीट दी जाती है। सभी अभ्यर्थियों को गोले काले करके उत्तर देने होते हैं। यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम एमएड के लिए होता है उसमें कुल 200 प्रश्न होते हैं और इन 200 प्रश्नों के उत्तर सभी को देने होते हैं, अर्थात ये सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, अर्थात एक प्रश्न 3 अंक का होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो कुल जो 200 प्रश्न होते हैं वे 600 अंकों के होते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर का 1 अंक काटा जाता है, अर्थात यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं और उसको छोड़ देते हैं तो उसके लिए आपका ना तो कोई अंक काटा जाएगा और ना ही कोई अंक आपको प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वे सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न के 4 विकल्प आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सही विकल्प का चयन करके आपको OMR शीट में गोले को काला करना होता है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे का समय दिया जाता है।
आइए जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का जो एमएड एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होगा, उसमें आपको जनरल नॉलेज से संबंधित 50 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। इसमें अधिकांश जो प्रश्न होते हैं वो ट्रेडिशनल जीके से संबंधित होते हैं। करंट के प्रश्न सामान्यतः यहाँ पर बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको 50 प्रश्न लॉजिकल रीजनिंग के भी देखने के लिए मिलेंगे, तो इसलिए आपको रीजनिंग और जीके की तैयारी करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बीएड से संबंधित 100 प्रश्न मिलेंगे। और देखिए, यहाँ पर जो बीएड से संबंधित 100 प्रश्न होंगे, ये आपके राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के बीएड के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। बीएड के पाठ्यक्रम से तात्पर्य यहाँ पर बीएड के कंपलसरी पेपर से है। तो आप लोगों को यदि यहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो बीएड के जो पाठ्यक्रम है और उसके कंपलसरी पेपर हैं उनकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर 200 प्रश्न होंगे। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना होगा www.rmlau.ac.in की वेबसाइट पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। यहां पर आपको नीचे जाना है, तो नीचे देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट कॉर्नर। इसके अंतर्गत आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा कैंपस एडमिशन 2021। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे, और इस पेज पर पहुँचने के बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नए कैंडिडेट किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसकी प्रोसेस दी हुई है। सबसे पहले क्या करना है, प्री रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपका फ़ीस पेमेंट हो जाए। प्री रजिस्ट्रेशन के बाद में ऑनलाइन फ़ीस का पेमेंट करना है, और इसके बाद में फॉर्म को भरना है, अपनी ट्रांजैक्शन आईडी और रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद में फिर फॉर्म में सारी डिटेल भर देनी है, फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और फाइनली फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको प्रिंट आउट लेकर फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आप इसको शो कर सकें। आगे यहाँ पर यदि आप लोग एडमिशन ब्रोशर या फिर एडमिशन नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इससे संबंधित लिंक यहां पर दिए हुए हैं। आइए हम जान लेते हैं कि इस साल क्या ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं जो बीएड या इसके समकक्ष परीक्षा में यहां पर सम्मिलित हो रहे हैं। तो मैं यहां पर प्री रजिस्ट्रेशन फॉर फी पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे तो एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे। पहुंचने के बाद में देखिए, मैं यहां पर डिटेल अभी छोड़ देता हूं। देखिए, हमें यहां पर क्या करना है, कोर्स टाइप पर कोर्स सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहां पर पीजी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर कोर्स का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर हमें सर्च करना है मास्टर ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, मास्टर ऑफ एजुकेशन आ गया, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो इसके ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पर पास्ट और अपेयरिंग दोनों का ऑप्शन आ रहा है, अर्थात यहाँ पर अपेयरिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप एमएड से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल की एमएड वाली प्लेलिस्ट देखिए। यदि आप एमएड एंट्रेंस एग्जाम के पिछले वर्षों के पेपर देखना चाहते हैं तो एमएड एंट्रेंस एग्जाम सोल पेपर वाली प्लेलिस्ट देखिए। यदि आप एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एमएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट देखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।